हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है इस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। किसका हम लोग आज पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आएगा कि फंक्शन होता क्या है, क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का जब बात आता है तो क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन इनका जब बात करते हैं तो जैसे कि कोई रिलेशन है, वाई और एक्स का कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन जैसे कोई वाई और एक्स में कोई रिलेशन होगा जो कि जिसमें बाई एक एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा केवल और केवल एक्स के टर्म में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोले, जैसे कोई रिलेशन एक्स बाई का एक्स और बाई दोनों वेरिएबल है, मतलब कि बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। क्या है, बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या तो एक्स और बाई का कोई भी वैसा रिलेशन हो जो एक्स और वाई का वैसा रिलेशन जो जिसमें वाई को हम लोग केवल और केवल एक्स के टर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोले, वैसा रिलेशन एक्स वाई का वैसा रिलेशन जिसमें वाई को हम अगर सेपरेट करें तो वाई को अगर हम केवल और केवल एक्स के टर्म में नहीं लिख पाते हैं तो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें आपको एक्स बाई इज इक्वल टू, अगर लिख दे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर, तो क्या बाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स बाई दोनों वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताइए कि बाई को केवल और केवल एक्स के टर्म में लिख सकते हैं आप क्या, तो बोलिएगा देखते हैं सर, कोशिश करते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं लिख पाएंगे आप, बोलिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक्स बाई है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई है, आप चाहते हैं कि हम बाई को सेपरेट करें एक्स के टर्म में, तो देखिए एक्स बाई है, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए एक्स बाई है माइनस ऑफ बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ना यहाँ पे अगर कॉमन लीजिएगा बाई तो क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर बाई इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ बाई हो गया, देखिए केवल और केवल ये एक्स के टर्म में नहीं इसमें एक बाई भी है। तो वैसा फंक्शन को, वैसा रिलेशन को, जो ये रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कि हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में केवल और केवल नहीं कन्वर्ट कर सकते या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। लिखते हैं क्या बोले, इफ ए रिलेशन, क्या लिखेंगे, इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई इज सच दैट, मतलब कि एक्स बाई का वैसा रिलेशन है जिसमें बाई को हम लोग केवल एक्स के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या लिखें, इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई इज सच दैट, इस प्रकार से रहे कि बाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, देन बाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। बाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन।
समझ गए, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है यह कि इम्प्लिसिट फंक्शन को ही हम लोग को क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स। तो हम क्या बोले कि हम क्या बोले, सबसे पहला एग्जांपल हम देते हैं कि कोई वैसा रिलेशन जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, वैसा रिलेशन एक्स बाई का वैसा रिलेशन जो जिसमें बाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बाई को केवल एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी क्या लिखे थे हम लोग, अभी हम आप लोग को लिखे था ना एक्स बाई इज इक्वल टू, अगर है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर, तो क्या इसको बाई के टर्म में, बाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो बोलेगा कि नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो कैसे, हम बताए थे अभी करके कि जो बाई आया था वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ बाई के टर्म में आ गया था, तो ये तो नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग दोनों तरफ इसके डिफ्रेंसिएशन लेंगे। यही बोलते हैं कि इस जो इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ बाई, उसी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। तो इसको कैसा डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो लिखिएगा टैकिंग डिफ्रेंसिएशन, टैकिंग या तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या होगा डी एक्स बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा, यू इंटू वी के टर्म में है यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी क्या जानते हैं आप लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग जानते होंगे यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही जानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी कितना है एक्स और बाई किसको मानना है यू, यू किसको है एक्स और वी क्या है बाई, तो यहाँ यू इंटू वी के टर्म में जैसा कि एक्स को एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को रेस्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स को रख रहे हैं अभी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाई को, तो क्या हो गया एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस ऑफ, अब बाई को रेस्ट करेंगे एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। ये भी एक्स ही होगा क्योंकि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के ही टर्म में, ठीक है, भले ही इसको चेन रूल में मुझे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, ये हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, कितना वन है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है वन, इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स। प्लस ऑफ टू बाई इंटू, ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, आप लोग को सॉल्व कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, पहले बाई होगा फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस ऑफ टू इंटू बाई स्क्वायर का बाई के रिस्पेक्ट में कितना होता है टू इंटू टू बाई होगा इंटू डी बाई बाई डी एक्स, क्या होगा एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई इज इक्वल टू क्या होगा टू एक्स प्लस ऑफ टू इंटू टू बाई कितना हो गया फोर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, समझ रहे हैं। तो अब ये क्या होगा एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स, इधर क्या है फोर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस ऑफ फोर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ डी बाई बाई डी फोर बाई इधर चले आया लेफ्ट साइड आया, उसके बाद डी बाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो एक्स माइनस ऑफ फोर बाई डी बाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू, अब क्या बचता है इधर बचा टू एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, तो डी बाई बाई डी एक्स इजकल टू आप लिख सकते हैं टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ फोर बाई, ठीक है यही आपका आंसर। अब देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे और क्वेश्चन है देखिए, इफ
एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें किस तरह का है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई तो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो चेन रूल तो आपको मालूम ही है, पिछले क्लास में बताया था, उसके भी मदद से निकालेंगे। तो आपके क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई का रिलेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। देखो यहाँ पे y को एक्सप्रेस कर सकते हैं केवल और केवल x के टर्म में, कर सकते हैं? बोलेगा नहीं सर नहीं होगा, है ना। तो अगर y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं केवल और केवल x के टर्म में, तो y कैसा फंक्शन, तो बोलेगा एक इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ वाई मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, चेन रूल में इसको तोड़िए, हम लोग क्या जानते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा जानते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका होता है कॉस थीटा, सिमिलरली थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलिएगा सर ये होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छा। तो ये डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, फिर इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई इन टू, अब यहाँ पे इन टू है क्योंकि चेन रूल में तोड़े थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का केस आ गया, यहाँ पे दो को वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, क्या होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स, उसी के जैसा यहाँ पर भी टूटेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू y है, तो एक को रखो मतलब एक को रेस्ट किए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस ऑफ y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये कितना हो गया, वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस एक्स बाई इन टू एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई इन टू वन हो गया, है ना, बाई इन टू वन हो गया ये। अब देखिए वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स बाई इन टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई होगा। अब देखिए वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये एक्स इंटू कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या लिखेंगे एक्स इंटू कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई इंटू कॉस एक्स बाई होगा, बाई इंटू कॉस ऑफ बाई इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई। तो ये क्या हो गया वन प्लस ऑफ क्या हो गया वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना जिसको एक जगह रखिए, तो यहां पर देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है और फिर ये इधर है डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस में चला जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बाई इंटू कॉस एक्स बाई माइनस ऑफ वन होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा वन माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई माइनस ऑफ वन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बाई इंटू कॉस एक्स बाई माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स बाई, यही आपका आंसर होगा, है ना, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारा, अभी दो तीन क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि इफ एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू हो गया, अगर है साइन एक्स प्लस ऑफ वाई, इस प्रकार से है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये कैसे निकलेगा। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ वाई, पहले लिख लेते हैं। आपका रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना होगा, यू इंटू भी, यहां पर भी हो गया, तो एक बार यू रहेगा मतलब एक्स रहेगा, तो डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस वाई का, कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, फिर प्लस ऑफ ये कॉस वाई रहेगा स्थिर, और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड का हो गया डिफ्रेंशिएशन, राइट साइड साइन एक्स प्लस ऑफ वाई चेन रूल में टूटेगा, डिफरेंशिए हम लोग क्या जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन साइन थीटा जानते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, सिमिलरली उसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई हुआ इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ क्या हो गया, कॉस वाई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ वाई, एक्स प्लस ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलिए एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस बाई वाई के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ साइन बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ कॉस बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू प्लस ऑफ प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब यहां पे देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स साइन वाई है, इधर क्या है कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई है, तो क्या करते हैं कि राइट साइड ही लेके चले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, राइट साइड में कितना है कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई, कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई हो गया, फिर ये कितना है लेफ्ट साइड में है माइनस एक्स साइन वाई, तो इसको अगर इस साइड आएगा राइट साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स साइन वाई, ठीक है। ये इसका और इसका लिख लिया, बचा क्या, लेफ्ट साइड बचा है कॉस बाई, क्या बचा है कॉस बाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई, क्या बचा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी कर लीजिए, कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी अगर करने का मान है तो कर लीजिए, नहीं करने का मान है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है कितना हो गया कॉस बाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ एक्स साइन वाई। तो ये आपका मर्जी है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर आ गया,
या तो आप इसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, एक क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसे ही ये इन्फिनिटिव तक है। कहाँ तक है? ये इन्फिनिटिव तक है। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें, क्या हम कर सकते हैं? ये अप टू इन्फिनिटिव तक है, ठीक है, मतलब टू इन्फिनिटिव तक है, यही वाला सीरीज आपका इन्फिनिटिव तक है। तो अच्छा बताइए, इसमें हम लोग बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। ये बाई है, बाई है ना, तो अगर हम वाई देवे, हम एक क्या ले लिए हैं, साइन एक्स लिया, फिर प्लस ऑफ एक साइन एक्स ले लिया, फिर देखिए इन्फिनिटिव है तो इसका तो काउंटिंग नहीं है, कितना है, कितना है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। तो हम एक साइन एक्स लिखा, फिर यहां से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, उसके फिर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम लोग फिर से बाई जैसा टर्म है बचा हुआ, तो फिर से हम बाई लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसके बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स प्लस ऑफ बाई, साइन एक्स प्लस ऑफ बाई। यहां पे देखिए साइन एक्स अलग है और बाई अलग है, ये नहीं समझ ले कि एक्स के ही एंगल में बाई है, नहीं, साइन एक्स अलग है प्लस बाई अलग अलग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करिएगा बोथ साइड दोनों अलग अलग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मींस क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले लिख देते हैं पूरा बढ़िया से, उसके बाद होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ऑफ बाई, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये देखिए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन हुआ, जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, तब यहाँ पे अगर बाई स्क्वायर है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, बाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये बाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, तब तो ये ओवरऑल अगर रफली कैंसिल करेंगे तो ये डी वाई कैंसिल हो जाता है, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बचता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बचा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बाई, ये हो गया टू बाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलिए यहाँ पे टू बाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर से क्या है प्लस वन है, तो इधर आ गया तो माइनस हो गया आई इन टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा इधर कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब कितना लिखेंगे, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू बाई माइनस ऑफ वन, यही आपका क्या हो गया, यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक होमवर्क दे देते हैं इसी में, अगर y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये कहां तक है, ये ऐसा ही इन्फिनिटिव तक है, अप टू इन्फिनिटिव, तो इसका आपको निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए
अब हम लोग और कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, इफ फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, इफ एक्स टू द पावर क्यू एक्स क्यू प्लस बाई टू द पावर फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई टू द पावर होल सेवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवेन, क्या है गिवेन, आपका गिवेन है एक्स क्यू इंटू बाई टू द पावर फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सेवन, इतना है। तो अब क्या हो जाएगा, इसके हम लोग दोनों साइड क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू बाई टू द पावर फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई टू द पावर सेवन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम लोग चेन रूल से तोड़ेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू बाई टू द पावर फोर, दोनों वेरिएबल है, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या होगा, देखिए यू इंटू वी है, तो पहले एक्स को यू को डिफ्रेंशिएट रखिए और बाई वी को डिफ्रेंशिएट करिए, तो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी कितना मान है, बाई टू द पावर फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सेवन, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में होगा ये, पहले तो होगा ये एक्स प्लस ऑफ बाई के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा पहले बताए एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रहता है, तब होता है एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब कि यहाँ जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तो एक्स प्लस बाई टू द पावर सेवन है तो एक्स प्लस बाई के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा नीचे वाला का, मतलब फिर डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स प्लस ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप देखिए ओवरऑल कैंसिल करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही बचेगा। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई टू द पावर फोर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी बाई के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई टू द पावर फोर विथ रेस्पेक्ट टू बाई, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओवरऑल आप रफली देखेंगे तो डी बाई कैंसिल भी हो गया, तो बचा कितना, डी बाई टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई डी एक्स ही बचा, इज इक्वल टू, अब बताइए ये एक्स टू द पावर एन है, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाता है, सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सेवन माइनस वन कितना हो गया, सिक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वन, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ये एक्स क्यू इंटू डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई टू द पावर फोर बाई के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, बाई इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर इंटू बाई टू द पावर थ्री, मतलब बाई का क्यू, क्यों, क्योंकि एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन जानते हैं, तो एन का वैल्यू फोर हो गया, फोर इंटू बाई टू द पावर फोर माइनस वन थ्री इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई टू द पावर सिक्स प्लस ऑफ ये कितना है, सेवन इंटू एक्स टू एक्स प्लस ऑफ वाई टू द पावर सिक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई टू द पावर सिक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स। तो अब कितना हो जाएगा ये, फोर एक्स क्यू बाई क्यू डी बाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ सेवन एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सिक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सिक्स, ठीक है, ये कितना हो गया, डी बाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो फोर एक्स क्यू बाई क्यू माइनस ऑफ सेवन एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर होल सिक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर होल सिक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो गया सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ बाई टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स क्यू बाई क्यू माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, सेवन इंटू एक्स प्लस ऑफ
बाई टू द पावर होल सिक्स हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही तक इसको छोड़ना है, इसका आंसर इतना ही हो गया। और भी देखिए क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इजकल टू साइन एक्स वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ इंटू वाई स्क्वायर इजकल टू क्या है, साइन एक्स वाई है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करिए, तो अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या लिखेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यू इंटू वी के जैसा इस पे तोड़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी u इंटू वी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या जानते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u क्या है, u एक्स स्क्वायर है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, बाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर बाई स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई किसके रिस्पेक्ट में, ये होगा x के रिस्पेक्ट में तो है लेकिन ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा ना, क्योंकि हम लोग साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू टू बाई होगा इसका टू बाई इंटू, फिर ये क्या होगा, बाई का रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मीन्स टू बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ बाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, ये टू एक्स हो गया। फिर साइन एक्स बाई साइन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई होगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई मीन्स यहाँ पे देखिए एक्स का ये एक्स रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई होगा, फिर प्लस ऑफ वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2x बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई इंटू, अब यहाँ पे क्या है, एक कॉस एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये प्लस का साइन है, प्लस बाई इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स बाई डी एक्स, तो वन ही हो गया। तो अब देखिए अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन। तो अगर डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इधर कितना बचा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर बाई, और इधर कितना बचा हुआ है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई। तो अगर इधर गया तो माइनस में हो जाएगा एक्स इंटू कॉस, जैसे कि ये वाला पार्ट अगर इधर आ गया तो माइनस में एक्स इंटू कॉस एक्स बाई हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इंटू कॉस एक्स बाई बाई इंटू कॉस एक्स बाई माइनस ऑफ टू एक्स बाई स्क्वायर। तो ये डीवाई बाई डी एक्स अगर लिखें तो क्या लिख देंगे, डीवाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा बाई इंटू कॉस एक्स बाई माइनस ऑफ टू एक्स बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स बाई, है ना, बस इसका इतना ही आंसर है, बन गया, बहुत हल्का है ये। ठीक है, अब हम लोग आप लोग क्वेश्चन बनाइए कोई भी किताब से,
हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।